गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जेआरसी इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए विद्युत रसायन के अंतर्गत ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, इस प्रश्न को हम जानेंगे। यह प्रश्न साइंस फैकल्टी के सभी छात्रों के लिए है, चाहे वो कक्षा 11वीं में पढ़ते हो या कक्षा 12वीं में, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे परीक्षा में पूछा जाए या नहीं पूछा जाए। परंतु ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया छात्रों को बिल्कुल आना चाहिए। तो आइए हम इसे हमेशा हमेशा याद रख सके, अतः इस आधार पर किस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वीं दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए, और इस ट्रिक के माध्यम से इस प्रश्न को या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को हमेशा हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से हम इसे याद रख सकते हैं। तो जिस प्रकार से हम नासिका क्षेत्र द्वारा ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और भोजन को ऑक्सीजन की सहायता से तोड़ते हैं, तो हम कहते हैं भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीजन की सहायता से हम भोजन को तोड़ रहे हैं। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। ऑक्सीजन या कोई भी ऋण विद्युती तत्व ले सकते हैं, ऋण विद्युती तत्व होना, ऑक्सीजन या ऋण विद्युती तत्व, हम यहाँ पर क्लोरीन ले रहे हैं, ऑक्सीजन या ऋण विद्युती तत्व का योग क्यों? जैसे हमारे सेल्स में ऑक्सीजन पहुँचती है तो भोजन को तोड़ने में ऑक्सीजन का योग होता है, तो भोजन को तोड़ने में ऑक्सीजन का योग, अर्थात हम क्या कहते हैं, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन की सहायता से भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। तो हम यहां से शुरुआत करेंगे, ऑक्सीजन या ऋण विद्युती तत्व का योग। इसी प्रकार से हाइड्रोजन या धन विद्युती तत्व, जैसे हमने पोटेशियम ले लिया, कोई भी धन विद्युती तत्व हो सकता है, हाइड्रोजन या धन विद्युती तत्व का त्याग, कोई भी धन विद्युती तत्व निकल जाए या हाइड्रोजन निकल जाए तो ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीजन जुड़ जाए या कोई भी ऋण विद्युती तत्व जुड़ जाए तो ऑक्सीकरण होगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इन चार कंडीशंस में, हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर नहीं जान रहे, परंपरागत तरीके के आधार पर जान रहे हैं, तो ऑक्सीजन या कोई भी ऋण विद्युती तत्व जुड़ जाए तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन या धन विद्युती तत्व का त्याग हो जाए तो ऑक्सीकरण। जस्ट अपोजिट, जो त्याग हुए थे वही जुड़ेंगे और जो जुड़े थे वही त्याग होंगे, तो रिडक्शन हो जाएगा। तो आइए हम रिडक्शन को जाने। रिडक्शन तो हाइड्रोजन या धन विद्युती तत्व का योग, हाइड्रोजन या धन विद्युती तत्व कोई भी ले सकते, सोडियम पोटेशियम या कोई भी अन्य धन विद्युती तत्व ले सकते हैं, आवश्यक नहीं कि हम यहाँ पर पोटेशियम का उदाहरण लें। तो हाइड्रोजन या धन विद्युती तत्व का योग, पहले त्याग हुआ था अब योग। इसी प्रकार से ऑक्सीजन या ऋण विद्युती तत्व का त्याग, चारों ही कंडीशन में रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, हमने परंपरागत तरीके के आधार पर जाना, अब इनकी सहायता से हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को समझेंगे। हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर नहीं जान रहे हैं, वैसे सिंपली हम कह सकते हैं, जैसे सोडियम से उसको भी जान लेते हैं, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और सोडियम आयन बना, तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन निकल गया अर्थात ऑक्सीडेशन, इसको भी हम संक्षिप्त में जान ले ऑक्सीडेशन। और जैसे क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो यह हो जाएगा अपचयन, तो यह होगा रिडक्शन। हमने इलेक्ट्रॉन के आधार पर भी संक्षिप्त में जान लिया और परंपरागत तरीके के आधार पर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को जाना। आइए अब हम इसे जानते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, इस प्रश्न को जाने। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में संयोजकता बदलती है, संयोजकता परिवर्तित होती है,
तो इसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। आइए इसे हम जाने, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्वों की संयोजकता परिवर्तित होती है या बदलती है। संयोजकता परिवर्तित होती है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इस क्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है। जब ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं दोनों साथ साथ होती है तो इसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। अर्थात एक साथ ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं संपन्न होती है तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आइए रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण ले और इसी का हम उदाहरण, ये जो हमने समझने के आधार पर लिया इसी को हम पुनः समझेंगे। जैसे FeCl3 प्लस SnCl2 क्रिया करके FeCl2 और SnCl4 बनाते हैं। जैसे FeCl3 प्लस SnCl2 क्रिया करके FeCl2 और SnCl4 बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, FeCl3 यहाँ पर क्लोरीन 3 है और यहाँ पर 2। अभी हमने जाना ऋण विद्युती तत्व का त्याग। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऋण विद्युती तत्व का त्याग। इसको हम इस प्रकार से समझे, हमने जाना था ऋण विद्युती तत्व का त्याग। जैसे यहाँ पर 3 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन निकल गया। हम आगे की संख्या को न समझकर यहाँ पर मेन आयरन क्लोराइड में देखें तो FeCl3 है, ये सामने से 2 अणु है तो इसमें से 1 निकल गया तो यहाँ पर बचा 2, तो ऋण विद्युती तत्व का त्याग हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखा, अपचयन, ऋण विद्युती तत्व का त्याग। अब यहाँ पर SnCl2 है और यहाँ पर SnCl4, अर्थात यहाँ पर ऋण विद्युती तत्व का योग, जैसा कि हमने ऑक्सीडेशन में जाना ऋण विद्युती तत्व का योग, ऑक्सीजन या ऋण विद्युती तत्व का योग। तो यहाँ पर ऋण विद्युती तत्व क्लोरीन जुड़ा, ऑक्सीडेशन, क्लोरीन निकला, अपचयन। तो इस उदाहरण के द्वारा हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को याद रख सकते हैं। और इस ट्रिक के माध्यम से, वैसे ये ट्रिक विस्तृत में बुक्स में दी है परंतु हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा है ताकि विद्यार्थी इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हमेशा के लिए याद रख सकें। तो इसकी सहायता से कोई भी रिएक्शन हो उसे पहचान सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा या रिडक्शन हो रहा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पुनः समझ सकते हैं, FeCl3 FeCl2 में कन्वर्ट हो रहा है, क्लोरीन का अपचयन हो रहा अर्थात क्लोरीन का त्याग हो रहा अर्थात रिडक्शन की रिएक्शन हो रही है, और यहाँ पर SnCl2 में क्लोरीन जुड़ रहा है तो SnCl4 बन रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब आगे जाने, इन अभिक्रियाओं में FeCl3 का FeCl2 में अपचयन होता है और SnCl2 का SnCl4 में ऑक्सीकरण होता है। अभिक्रिया में Fe की संयोजकता घटती है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं Fe की संयोजकता घटती है। जैसे हमने पूर्व में जाना था संयोजकता बदलती है, संयोजकता बदलती है तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। अभिक्रिया में Fe की संयोजकता घटती है और SN की संयोजकता बढ़ती है, अर्थात लोहे की संयोजकता घटती है और टीन की संयोजकता बढ़ती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्वों की संयोजकता परिवर्तित होती है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो हम अंत में देख सकते हैं इस अभिक्रिया में आयरन की संयोजकता घटती है और टीन की संयोजकता बढ़ती है, अर्थात संयोजकता परिवर्तित होती है तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार से हमने ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण एवं ट्रिक के माध्यम से जाना, जो कि कक्षा 11वीं एवं 12वीं दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण